और सर्वे के मुताबिक कैंसर पेशेंट्स में से सिर्फ 10% इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन 90% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता स्वामिनी जी, पहले होता होगा लेकिन आज के जमाने में कैंसर का पूरा इलाज संभव है। कितने लोग हैं जो कैंसर से आज ठीक होकर के एक आम और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो सर्वे में पढ़ा वो कह रहे हैं हम। आपने कोई गलत सर्वे पढ़ा होगा स्वामिनी जी। Oh, really? जी हाँ, आज के जमाने में कैंसर इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना 10-15 साल पहले हुआ करता था। वो तो मुझे ऋषिकेश अर्जेंट फोन करना है दुकान पर, मैं अभी आता हूं। कमाल है, कैंसर पेशेंट्स का भी सर्वे होता है। मुझे तो इतनी बार खांसी हुई है, बुखार हुआ है, जुकाम भी हुआ है, उसका तो कोई रिकॉर्ड रखता ही नहीं है। छोटे मोटे बीमारियों ने बिल्कुल इंसल्ट लगती हूँ नहीं दी। पता है क्या होना चाहिए, बीमारी हो तो कैंसर जैसी हो, वरना कोई ना। मालवी, हर बात को मजाक में लेना अच्छी बात नहीं है, समझी? अरे माँ, जल्दी नाश्ता लाओ ना, बहुत भूख लगी है। ओ लाओ मेरे बच्चे, ये ले नाश्ता कर मेरे। क्या है? रोज रोज आलू के पराठे हैं? क्या है मम्मी, पिछले 5 दिन से आपने आलू के पराठे ही बनाए, मुझे नहीं पसंद। पराठे खिला खिला के मुझे पराठे की तरह मोटा बना दोगी आप, मेरे लुक्स का क्या होगा? बीजी बनाती है ना वो छोले पूरी, वो बनाओ ना आम के अचार के साथ, जो बहुत अच्छा लगता है। ओले मेरा पुत्र, आज के आज मेरे हाथ के पराठे खा ले, कल बीजी आ जाएंगे ना, फिर खाता रहियो छोले भटूरे ते आम का अचार। खा ले मेरे पुत्र खा ले। कब आएंगे वो लोग? पिछली बार आने वाले थे, टिकट तो कैंसिल करा दी, अब कल आने वाले पता चला ये भी टिकट कैंसिल करा देंगे। ओहो, कोई फ्लॉप मूवी की टिकट थोड़ना है जो बार बार कैंसिल करती रहेंगी। ओ ट्रेन की टिकट हैगी, आ रहे हैं वो, मेनू पक्का पता है, बीजी है मन, फिर खाता रहियो अपने छोले भटूरे। आप सच बोल रहे हो? हाँ मेरे बाबू। फिर तो बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं मानवी दीदी को बहुत मिस करता हूँ। है खाली मानवी को ही मिस करता है और किसी को नहीं? और किसको मिस करूं? हाय, किसके साथ होली खेल रहा था? खूब सारा रंग वंग लगा के है, अपनी नई फ्रेंड सुम्मी के साथ ना। चल, उसको नहीं मिस करता तू? और नहीं मम्मी, दोस्त कहाँ बनी वो? वो तो पता नहीं मुझे देख के भाग जाती है, जैसे मैं उसे बात करने जाता हूँ मुझे देख के हंस पड़ती है, जैसे मैं कोई लड़का नहीं कॉमेडी चैनल हूँ। मैं तुझे है ना लड़की को पटाने के लिए 101 दूसरे बता सकती हूँ। जल्दी आ जा, बैठ जा मेरे पास, बैठ बैठ। बेटा, जब मैं नुस्खे सब सिखाऊंगी ना, तो वो लड़की है ना तो ऐसी खींची चली आएगी, चक्कर तो चुबक और बोलो आ। हाँ बड़ी बीजी, आज से ना आप मेरे लव गुरु हो और मैं आपका चेला, आप जैसे बोलोगे, जो करने के लिए बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, प्रॉमिस, हर आदेश मानूंगा आपकी। हाँ, हाँ। अरे वाह माया, जैसे जैसे तुम्हें सिखाया ना बिल्कुल वैसे वैसे करना। मैं बोल रही हूँ ना, हेट फॉर्मूला, ये हेट 100% सक्सेस रेट। वो फाड़े के गुंडे आके तुम्हें छेड़ने की एक्टिंग करेंगे। बट मानवी, तुम्हें पूरा यकीन है कि विराट टाइम पे पहुंच जाएगा? अरे तुम चिंता मत करो, जहाँ मानवी है वहां पे टेंशन नहीं है, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हीरो विराट लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाएगा और वो उस गुंडे की ऐसे झुशुम झुशुम करके ऐसी धुलाई करेगा ना कि वो हवा में उड़ जाएगा। ये फाड़े के गुंडे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आई मीन बहुत फिल्मी है यार। माया, डोंट टेक टेंशन, तुम चाहो तो उस गुंडे के साथ एक रिहर्सल कर लो, तब तक मैं विराट को मक्खन लगा के तुम्हारे पास भेजती हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, ओवर एक्टिंग मत करना, नहीं तो विराट को शक। डोंट वरी, वो मैं संभाल लूंगी।
कैसी अजीब है ये, फोन काट दिया। विराट पार्टनर, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो? विराट को मक्खन लगा के माया को बचाने भेज रही है ना? गुड स्क्रिप्ट, राइट। कुछ गुंडे आएंगे, माया को आई लव यू बोलेंगे, माया बोलेगी आई एम सॉरी मैं विराट से प्यार करती हूँ, पर गुंडे तो थैले गुंडे मानेंगे थोड़ी ना, वो उससे जबरदस्ती करेंगे, उसको छेड़ेंगे। कट्टू विराट की एंट्री, विराट ही सब देखेगा, सब कुछ असली समझेगा और गुंडों को टिशम 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 करके मारेगा। उसके बाद माया के हाथ पकड़ेगा, उसको आई लव यू बोलेगा, उसको गले लगाएगा और वहां से चलता बनेगा, राइट? गुड गुड, नो फ्लॉप। मुझे गलत समझ नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी मैं तुम्हें सही समझ पा रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि माया की इतनी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पहुंचने की। तुम उसको डायरेक्शन दे रही थी ना मानवी, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था, तुमसे सारी बातें शेयर करता था, तुमने मेरी फीलिंग से खिलवाड़ किया है, एंड यू, आज के बाद मैं तुमसे कुछ शेयर नहीं करूंगा। नहीं विराट, विराट नहीं, विराट विराट मेरी बात सुनो प्लीज विराट, विराट। हेलो मानवी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। माया आई एम सॉरी, वो पूरा प्लान गुड़ गोबर हो चुका है, वो विराट ने सब कुछ सुन लिया यार। तो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी विराट का पारा डाउन करना पड़ेगा पहले जाके। बाय 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 बाय। मानवी सुनो, इस विराट को मनाना पड़ेगा। मानवी क्यों भागा दौड़ी कर रही है बेटा, चल अंदर सामान अपना बांध, कल सुबह की ट्रेन से ऋषिकेश जा रहे हैं। बीजी अभी मैं बस। मानवी कोई बहाना नहीं चलेगा, सुन भी लिया और देख भी लिया, एक दिन के अंदर तेरे पैर की मोच भी ठीक हो गई और तू भागने भी लगी है। आए, बीजी दर्द तो अभी भी हो रहा है, वो मेरे पीछे मधुमक्खी पड़ गई थी बीजी, अपनी जान बचाने के लिए मुझे भागना पड़ा। अंदर चल, तेरा सारा दर्द ठीक होगा। बीजी मानवी क्या हुआ बीजी? अरे बहाने बना रही है कि इसके पैर में चोट लगी है ताकि कुछ और दिन तेरे साथ रह सके। चुप कर। बीजी मैं अभी आई। जीविका मानवी, बीजी रुक, मानवी बीजी प्लीज, देखो बहुत अर्जेंट काम है। हे भगवान कैसे समझाओ इसे। मानवी विराट, विराट भैया जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। लड़की तो मेरी जान ही लेके छोड़ेगी, मुझे उसके पीछे जाना होगा, ऑटोमैटिक उसके पीछे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मानवी रुक बेटा। विराट रुको, विराट। अरे भाई साहब जरा जल्दी करिए ना। मानवी रुक भैया, थोड़ा तेज चला लो ना। फोन उठाओ विराट। अरे रुक ना मानवी। विराट की गाड़ी है। विराट, 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 ओह नो विराट। भैया भैया सुनो मेरी बात, गाड़ी चलाओ, उस गाड़ी का पीछा करो, हाँ जाने ना पाए। मानवी, मेरी बात क्यों नहीं मानती है? ए मानवी, गॉड ये
रुक मानवी। ओ नो मानवी रुक, पीजी मेरा पीछा कर रही है। माया मेम साहब को क्या हो गया अभी? माया सुनो, मैं अभी विराट का पीछा कर रही हूँ और पीजी मेरा पीछा कर रही है। बिल्कुल फिल्मी चेस सीन चल रहा है और दोनों के बीच में अटक के मैं बैठ गई हूँ। तुम बाद में फोन करना, बाद में बात करते, चलो। ओके बाय। भैया चलाओ जल्दी। क्या हुआ भैया? रिक्शा खराब हो गया मैडम। अरे यार बैठ, स्टार्ट करने की कोशिश करो ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ। अरे आप रहने दो, मैं तो दूसरा रिक्शा ढूंढ लूंगी। देखो तो क्या हो गया इस लड़की को? अरे लगता है चक्कर खाकर गिर पड़ी है। ये तो बेहोश हो गई यार, मुड़ क्या करे। वो लड़की गिर गई, सुनिए मानवी, हटिए हटिए, मानवी 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 बेटा, मानवी मानवी बेटा, उठना उठना मेरा बेटा। अपराजी थोड़ा जा पानी ले आ दो। पानी? मानवी मानवी बेटा, मानवी उठना मानवी। उठ बेटा। मुझे भी फिर से भागना होगा, मुझे विराट के पीछे जाना, उसे समझाने। मानवी लेकिन तू कब समझेगी? दूसरों से पहले अपने बारे में सोचने की जरूरत है तुझे। बीजी मेरा जाना भी बहुत जरूरी है, प्लीज। कहीं नहीं जाएगी तू, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलेगी। मेरा जाना बहुत जरूरी है। समय तो तू नहीं रही है। क्यों मैं घड़ी घड़ी तुझे कह रही हूँ कि तू भाग दौड़ मत कर? क्यों मैं जिद कर रही हूँ कि तू जल्द से जल्द मेरे साथ ऋषिकेश जाए? तेरा इलाज करवाना है बेटा। क्या क्या इलाज बीजी? जरा सा चक्कर ही तो आया, तो पूरे महीने घर बिठा के रखोगी क्या? ना मुझे खांसी है, ना बुखार है, ना कोई मलेरिया। सर्दी बुखार मलेरिया नहीं है, तुझे कैंसर है। Zom zara 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 z
कैंसर। कैंसर? कैंसर मुझे बीजी ये तो सब सपने में पॉसिबल हो सकता है। क्या बीजी कुछ भी ऋषि के लिए जाने के लिए कुछ भी। कैंसर बीजी मैं मानती हूँ आज आपके टैलेंट को मान गई बीजी। क्या फिल्मी लाइन बोली है बीजी। आप अपने जमाने में अगर फिल्मों में होती ना मैं गारंटी दे रही हूँ बीजी अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस की छुट्टी हो जाती बीजी। क्या डायलॉग हमारा बीजी फिर तो एक मिनट के लिए सांसें रुक गई थी। अरे मैं आती ना आपके साथ ऋषिकेश बीजी लेकिन इतनी बड़ी बीमारी का बहाना बीजी कैंसर। मेरा तो दिल दिल बैठ गया था बीजी दो मिनट के लिए। हाँ मैं मानती हूँ मैंने मजाक मजाक में बोल दिया कि बीमारी हो तो कैंसर जैसी हो वरना ना हो लेकिन बीजी मेरा मतलब थोड़ी ना था। हे भगवान आई एम रियली सॉरी मेरे प्लीज इस स्टूपिड से मजाक को कभी सच में मत बदल देना। सच पीजी सोच सोच के भी डर लगता है पर जो लोग इससे गुजर रहे होंगे उन पे क्या बीतती होगी। नहीं नहीं बाबा भगवान जी सॉरी हाँ वेरी सॉरी। अच्छा पीजी सुनो मेरी बात सुनो मैंने ऋषिकेश ना जाने के लिए आपसे एक झूठ बोला कि मेरे पैर में चोट लगी है। आपने उससे भी बड़ा झूठ बोल दिया ऋषिकेश लेके जाने के लिए कि मुझे कैंसर है। स्कोर 1-1 पीजी लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया। झूठ सही बोला था आपने बीजी लेकिन अब तो आप एक्सेप्ट कर लो झूठ बोल रही थी बीजी बोल रही थी ना झूठ झूठ बोल रही थी ना झूठ था ना बीजी। बीजी आप अचानक प्लीज मुझे बता दीजिए क्या रणवी डॉक्टर मनन से बात करिए मैंने भी कुछ कहना है एक मिनट। हाँ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।